my YouTube channel Assembly Classes. Guys, today we are going to do some previous year questions based on general intelligence and reasoning for SSC CGL. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel Assembly Classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. Now guys, come to the question. Question 1. Select the related words, letter, numbers from given alternatives. Okay? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट करना वर्ड को, लेटर्स को, नंबर्स को, ठीक है, रिलेटेड, जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर दिया है, थर्ड क्वेश्चन से आपका लेटर्स और वर्ड्स भी आएंगे. ओके गाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9, 50 और हम लोगों को ये नंबर निकालना है. ठीक है, तो अब 9 और 50 के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा आएगा नंबर. ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर 9 लिखते हैं, 50 लिखते हैं, इन दोनों के बीच हम लोगों को रिलेशन पता करना है. ओके, तो 9 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, ठीक है, 45 आ जाएगा. अब इसमें प्लस 5 करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा. ठीक है, इट मीन्स 9 और 50 में क्या हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई 4 का हुआ है और उसके बाद प्लस किया गया है, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 50 आ गया. समझ में आया. अब सेम इसी तरीके से क्या करना है, ऑप्शंस में से देखते हैं क्या करेंगे. फर्स्ट नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मैंने लिखा ना 5 का, जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को एड भी करना है. ठीक है, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर में 22 × 5 करेंगे 10, 11, ये तो पहले ही आ गया, बिना 5 को ऐड किए ही ये नंबर आ गया, तो ये आपका नहीं होगा. ओके, तो ये भी रॉन्ग है, आपका बी भी रॉन्ग है. अब सी को चेक करते हैं, सी है आपका 20 और 105. अब 20 में हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है और उसमें प्लस 5 करना है. ठीक है, 20 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा और 100 में 5 प्लस करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, 105. तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. अब डी को चेक करते हैं, 15, 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा. ठीक है, 75 में प्लस 5 करेंगे 80 आ जाएगा, ये भी रॉन्ग है. तो बचा क्या, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके गाइस, समझ में आया. नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है 16, 22 और 36 दे दिया है और यहाँ पर ये सिर्फ ये नंबर निकालना है. यहाँ पर 2 नंबर निकालना था और यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 नंबर निकालना है. कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं 16, 22, 36. ओके, ये नंबर निकालना है तो रिलेशन देखते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फर्स्ट नंबर है, दोनों सेट ऑफ नंबर्स में से जो फर्स्ट नंबर है, इट मीन्स ये फर्स्ट नंबर और ये फर्स्ट नंबर, किसी का स्क्वायर दिख रहा है, ये आपका 4 का स्क्वायर है और ये आपका 6 का स्क्वायर है. ओके, समझ में आया. तो 4 स्क्वायर है और यहाँ पर 6 स्क्वायर है, वी नीड टू फाइंड दिस नंबर. ओके, हम लोगों को ये नंबर फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 स्क्वायर है तो 4 लिखते हैं. ठीक है, ओके, इसमें मल्टीप्लाई 5 का कीजिए. ओके, प्लस 2 कीजिए तो आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, 22 आ जाएगा. इट मीन 4 × 5 = 20, 20 + 2 = 22, आ गया 22. अब सेम प्रोसेस 6 के साथ करना है, 6 को यहाँ लिखेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से नहीं करेंगे, 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है, 7 आता है, तो 6 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से करना है. ठीक है, 7 से करने के बाद प्लस 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6, 42, 42 + 2, 44 आ गया. मैंने क्या बोला था कि ये जो है सेम इसी नंबर के टाइप का ही नंबर आना चाहिए. ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है इसलिए देख के भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं. तो 22 से जो रिलेट कर रहा है आपका 44 आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑड नंबर 5 को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर ऑड नंबर 7 को मल्टीप्लाई करना है. अगर हम लोग 6 × 5 + 2 करेंगे तो ये आपका 30 + 2 आ जाएगा, 32 आ जाएगा. यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिया है 32 में. ठीक है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई दूसरे ऑड नंबर का करना है, यानी 5 के बाद जो दूसरा ऑड नंबर आता है 7 आता है. ठीक है, तो 6 × 7 करेंगे 42 आएगा, प्लस 2 करेंगे 44 आएगा, ये आपका आंसर है. ठीक है,
नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. मैंने क्या बताया था, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स लेटर नंबर्स. तो नंबर्स वाला हम लोगों ने कर लिया है, अब क्या करना है वर्ड्स. ओके यहाँ पर वर्ड्स थ्री है, लेटर थ्री है, उसको क्या करना है डिकोड करना है. ओके गाइस, तो कैसे करेंगे. यहाँ पर M I K E माइक दे दिया है, O G M C इसको डिकोड करना है. यहाँ पर एक नंबर लेटर्स दिया है, लोगों को ये लेटर निकालना है. ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पर गिवन है. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए अल्फाबेटिकल सीरीज. ओके गाइज, तो अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है देखते हैं. ए बी सी डी तो सभी को आता होगा, तो ए बी सी डी की जो प्लेस वैल्यू है उसमें इसकी हम लोगों को हेल्प मिलेगी. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. हो गया, ये आपका अल्फाबेट हो गया. ओके, अब इसके ऑर्डर्स क्या है ये देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26. ओके गाइस, तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा कि आप बैठ के इसको बनाओ, तो आपको ये सारे लर्न होने चाहिए कि कौन से अल्फाबेट पे कौन सा प्लस वैल्यू है. ओके गाइस, समझ में आया, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा ये क्वेश्चन करने के लिए. जिससे नहीं आता उसके लिए मैं ये बता रही हूँ. ओके, तो क्या दिया है यहाँ पर देखिए, एम आई के ई. ओके, अब एम का प्लेस वैल्यू कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हैं. प्लेस वैल्यू कितना है, 13 है, यहाँ पर 13 लिखेंगे. ओके, आई का प्लेस वैल्यू कितना है यहाँ पर, 9 लिखते हैं. के का प्लेस वैल्यू कितना है, 11 लिखते हैं. ई का प्लेस वैल्यू कितना है, 5 लिखते हैं. ओके, अब क्या किया है यहाँ पर, ओ जी एम सी. ओके, अब ओ जी एम सी का क्या है प्लेस वैल्यू, ओ का 15 होगा, आपका का 13 होगा, सी का 3 होगा. चेक कर लीजिए, ओ का 15 है, जी का 7 है, एम का 13 आपका है. ओके, और सी का 3 है. ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है गाइस कि इन दोनों में रिलेशन कितने का है. ठीक है, एम और ओ के बीच में अगर प्लस 2 कर देंगे, यानी 13 में प्लस 2 कर देंगे तो 15 आ जाएगा. यानी एम में प्लस 2 करेंगे तो उसका प्लेस वैल्यू चेंज होके 13 से 15 यानी ओ हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर देखना है, इसमें प्लस 2 हुआ है. ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले में माइनस 2 हो रहा है. यानी आई में से माइनस 2 करेंगे तो जी आ जाएगा, यानी 9 में से माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, के का देखते हैं. के में प्लस 2 करेंगे, यानी 11 में प्लस 2 करेंगे 13 आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया. पहले एक बार प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है. अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट. अब 5 में माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा. समझ में आया गाइस, यही सेम प्रोसेस क्या करना है हम लोगों को, सी आई ए साथ भी करना है, सी आई ए डी. ओके, और हम लोगों को ये 4 नंबर 4 लेटर्स निकालना है. ठीक है, तो पहले क्या करना है हम लोगों को, सी में प्लस 2 करना है. ठीक है, सी में सी आपका 3 है, आई आपका क्या होगा, आई आपका क्या है, 9 है, और ये 1 है और ये 4 है. ठीक है, तो सी में प्लस 2 करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा. 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, ई है. ओके, आई में क्या करना है हम लोगों को, माइनस 2 करना है. ठीक है, आई में माइनस 2 करना है, यानी 9 में से 2 निकालेंगे, 7 आ जाएगा. 7 आपका क्या है, जी का है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी 7. ठीक है, अब क्या करना है, ए में प्लस 2 करना है फिर से. ओके, ए में प्लस 2 करना है. ओके, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और 3 का होता है सी आपका, यहाँ पर देख सकते हैं. अब डी में क्या करना है, माइनस 2 करना है. ठीक है, माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना होता है आपका, 2 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर 2 बी.
अब ई जी सी बी ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन आ रहा है ई जी सी बी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस समझ में आया, मैंने ये थ्री डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज किया है क्योंकि ये आपका प्लस टू आपका ग्रीन कलर को इंडिकेट कर रहा है, माइनस टू आपका रेड कलर को इंडिकेट कर रहा है, और ब्लैक तो आपका क्वेश्चन ही है। समझ में आया गाइस? जिसे नहीं समझ में आ रहा वो ध्यान से देखेंगे, ओके। नाउ गाइस कम टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अंडर रूट में है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे आप ध्यान दीजिए, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। आप पहले तो अंडर रूट देख के ही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, ठीक है। अल्फाबेट में अंडर रूट कहाँ से आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज यहाँ पर दिया है, तो इसे आप लोग लर्न कर लेना। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, ए एफ आई इक्वल टू एम, ओके। ए डी डी इक्वल टू एल दिया है, और हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी ए इक्वल टू, ठीक है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना, ओके। तो अंडर रूट ए का प्लेस वैल्यू कितना है, वन है, यहाँ वन लिखेंगे। एफ का प्लेस वैल्यू कितना है, सिक्स है, सिक्स लिखेंगे। आई का प्लेस वैल्यू कितना है, नाइन है, नाइन लिखेंगे, ठीक है। और ये आपका है थर्टीन का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो इसको थर्टीन स्क्वायर कर सकते हैं, और अगर अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, थर्टीन, ओके। ये थर्टीन आ गया क्योंकि एम का कितना है, प्लेस वैल्यू थर्टीन है, समझ में आया। तो एम आ गया, ये इक्वल टू एम, ओके, एम इक्वल टू थर्टीन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू। अब गया है यहाँ पर नेक्स्ट ए डी डी, ए का आपका है वन, डी का फोर और फोर, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर टू, ये आपका ट्वेल्व का स्क्वायर रूट है, ओके, इसको हटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, ट्वेल्व, ओके। और एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ट्वेल्व होता है, तो ये ठीक है, ठीक है, एल स्क्वायर टू ट्वेल्व है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना, ए बी ए, तो ए बी ए इक्वल टू, ए का प्लेस वैल्यू कितना है, वन, बी का टू, फिर ए का वन, ये आपका इलेवन का स्क्वायर है, ठीक है। अंडर रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा, इलेवन बचेगा, ठीक है। अब अंडर रूट ए बी ए आपका इलेवन तो आ गया, लेकिन हम लोगों को तो अल्फाबेट में चाहिए, ठीक है। तो इलेवन का क्या होता है, आपका के होता है, यहाँ पर देख सकते हैं इलेवन का प्लेस वैल्यू के है, इक्वल टू के, ठीक है। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इट मीन्स ए एफ आई इक्वल टू एम इक्वल टू थर्टीन, ओके, ए डबल डी इक्वल टू एल इक्वल टू ट्वेल्व, तो ए बी ए इक्वल टू इलेवन इक्वल टू के। समझ में आया गाइस? नाउ गाइस इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।